देखिए उसमें कुछ बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। लालढंग चिलरखाल मोटर मार्ग जरूर बनेगा, वो हमारा एक ड्रीम है कहना चाहिए कि, जिससे हमको एक काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा और लोगों को कम समय भी लगेगा और लोगों को सुविधा भी होगी, और इसलिए उसमें जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। उसके लिए हम उनको दूर करेंगे, उसके लिए पत्र भी भारत सरकार को गया है, NGT को गया है, और मुझे लगता है कि उसका समाधान जरूर होगा। देखिए भाई, जब विदेश दौरे बनते हैं महीनों पहले बनते हैं, और इसलिए इस तरह के जो प्रोग्राम चलते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, कई देशों के लोग उसमें आते हैं, मैं समझता हूँ कि उस पर उंगली उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जाते हैं, कोई पूरा वन महकमा थोड़ी चला गया कोई, तो इसलिए उसको इस रूप में प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। तमाम कार्यक्रम चलते हैं, इतना बड़ा विभाग है वो काम कर रहा है, तो विदेश जाते हैं, ये तो रूटीन है कि जाते हैं, हमेशा लगभग इन्हीं दिनों में प्रशिक्षण होते हैं, तय नहीं करते, वो इंटरनेशनल बेस पर आधारित होते हैं, और इसलिए उसके लिए कोई भारत तय करेगा या उत्तराखंड तय करेगा ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रशिक्षण का समय होता है, उस समय उनको वो किया जाता है। हरक सिंह जी कहीं नाराज नहीं है, उनसे हमारी बात हो गई है। नहीं, मुझे बड़ा ताज्जुब है, मैंने कल भी ओम प्रकाश जी का, मैंने, आप मेरे पत्र देखेंगे, मैंने ओम प्रकाश जी को पत्र लिखा, तो ओम प्रकाश जी को मतलब एक, मैंने ओम प्रकाश जी आज भी कहा, आप इतने सीनियर अधिकारी हैं, एक डेफो से स्तर पर, तो मैं सोचता हूँ नया IFS अफसर है उसको गुड गवर्नेंस की या उसको सिस्टम की जानकारी नहीं है, लेकिन आप जैसे सीनियर IAS अफसर जो एडजस्टेड चीफ सेक्रेटरी हो, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो इस तरह के नियमों की अनदेखी करेगा या इस तरह की बचकानी हरकत करेगा। मैंने ओम प्रकाश जी को बहुत साफ कहा, मैंने कहा ओम प्रकाश जी आप ने जो ये हरकत की है ये माफ करने योग्य नहीं है, ये बिल्कुल भी माफ करने योग्य हरकत नहीं है कि, और मैंने कहा इस सड़क के लिए, इस सड़क के निर्माण के लिए एक बार नहीं, मैं एक बार 1000 पद मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी भी कुर्बानी के देने के लिए तैयार हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं इस सड़क के निर्माण के लिए आमंत्रण करूंगा मंत्री पद से इस्तीफा दे के, मैं सरकार मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें और मैं इस सड़क के निर्माण के लिए, ये तो मैं कोई अपनी घर के लिए सड़क बना रहा हूं, और अगर नियम के विरुद्ध थी तब आपने फाइल क्यों भेजी, जिन उन अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए जिन अधिकारियों ने वो पत्रावली, अगर या तो वो अधिकारी के हम आज सही हैं, अगर आज सही हैं तो तब वो गलत है जब उन्होंने सिफारिश करके फाइल भेजी, और अगर उस समय वो सही थे तो आज गलत है, और तत्काल अगर ऐसे अधिकारी इस प्रदेश में रहेंगे तो ऐसे अधिकारी प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं। ये